बात करेंगे एक बड़े खास मुद्दे की, और वो मुद्दा ये है कि हम अवैध साहब क्या कर रहे हैं, आप आराम से बैठें, मुझे आवाम से बात करने दें, डिस्टर्ब मत करें, आप डिस्टर्ब, आपका वो जो बॉडी लैंग्वेज है इस वक्त मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हमने बात बॉडी लैंग्वेज के ही हवाले से करनी है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत मरतबा हम इंटरव्यू देने चाहते हैं, हम पेरेंट्स के सामने बैठ के झूठ बोलना चाहते हैं लेकिन हमसे सच निकल जाता है, या वो पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज उनको बता रही होती है कि बेटा इधर कुछ झोल है तुम्हारी कहानी में। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको हम किस तरह से कॉन्फिडेंट रख सकते हैं, किस तरह से एक ओपन और वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए बजाय इसके कि क्लोज बॉडी लैंग्वेज हो, लोग हमें देखकर ये तासुर ले लें कि भाई ये बड़ा नेगेटिव सा बंदा है, इससे वाइब्स ठीक नहीं आती या ये वेलकमिंग नहीं है, वार्म नहीं है। ऐसा तो भी ना हो कि झप्पियां जाकर डालना शुरू कर दें सबको उसके बगैर। बॉडी लैंग्वेज कैसे बेहतर बनाएं, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, और आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई टिप्स देना चाहें तो भी दे सकते हैं, और अगर सवाल पूछना चाहें या कोई टिप्स लेना चाहें तो भी सवाल के जरिए ले सकते हैं। हमारे साथ लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर मौजूद हैं, और बहुत बहुत इनकी सीवी पे बहुत सामान है नाजरीन, इसलिए इनका जो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप वो हमें याद नहीं हो सकती। तो आप लोग उमर जलियांवाला साहब को जानते हैं, आपको पता है ये क्या करते हैं, बस इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। ये बताए बॉडी लैंग्वेज, तारुफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कुछ नया करें। बिल्कुल देखिए, अवाम आपको जानती है, आप अवाम को जानते हैं, हम कौन होते हैं दरमियान में कहने वाले कि ये है और ये वो है, तो उनको पता है सबके आप क्या करते हैं। बहुत अच्छा मौजू है आपने एक जो बात की, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहूंगा कभी कभी आप कॉन्शियसली नहीं बता पा रहे होते अच्छा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आती है कुछ सही नहीं है। बिल्कुल सही, और वो जो कुछ वाली फीलिंग होती है, यानी हम इंटेलिजेंट हैं कि हम उस वक्त पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं सुन रहे बल्कि लहजा भी सुन रहे हैं, और जो जिस्म है वो भी हम चाहे ना चाहे अब्जॉर्ब जरूर कर रहे होते हैं। सही है। यही वजह है कि कुछ लोगों को देख के हम खुल जाते हैं, हम कहते हैं उसने मेरी बात सुनी, ही वॉज वेरी ओपन, और किसी और की तरफ हम देख के कहते हैं नहीं बिल्कुल मजा नहीं आया, वाइब अच्छी नहीं थी। सो बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली भी हम रीड कर रहे होते हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन अनकॉन्शियसली हम खुद ही कर रहे हैं। वी हैव ऑलवेज बीन वायर्ड टू। बिल्कुल सही है। तो अब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है जी, चले मेरी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कर लेना, ठीक है, थोड़ी बहुत आपसे थोड़ा सा आंकड़े में आप इस थोड़ा सा आंकड़ा, वो तो इस पोजीशन और पोस्चर और सोफे की वजह से नहीं, विच इज वेरी गुड। थोड़ा सा पोस्चर, ये सोल्जर पोस्चर होता है ना, इट्स नाइस, इट्स अपराइट, कॉन्फिडेंस शो करता है, ये जब ढीला हो जाता है नहीं तो ये सोल्जर, एक सेकंड अभी पूरी बात होने दे, अच्छी तारीफ हो रही है, ये सोल्जर पोस्चर है, तो ये वाले जो है ये पुलिस पोस्चर है। माजरत के साथ हमारे कल्चर में ऐसा हो गया है, दुनिया भर में तो ऐसा नहीं होता, और सिर्फ ये मैं सिर्फ सोल्जर पे रख के नहीं कह रहा, एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर, एक अच्छा सेल्स वाला जो कारोबार कर रहा है, जब वो वॉक करता है शिफा, तो इससे पहले कि वो कुछ बोले वो बहुत कुछ बोल चुका होता है। हम उसका जिस्म देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा ये कितना कॉन्फिडेंस रखता है। आपकी चाल लोगों को हिला देती है समटाइम्स, राइट, एट टाइम्स तपा भी देती है। कुछ लोग आते ही इतने झुके हुए आप देखें, जो गाड़ी पे आपके मांगने के लिए आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, राइट, इट इज ऑलवेज स्लाउच डाउन। सो ना अकड़ और ना बिल्कुल बल्कि समवेयर इन द मिडल। वो फिल्मों में होता है ना अक्सर, हीरो की जो वॉक होती है वो एक अलग ही उसका एक स्वैग होता है, वो चलता हुआ आ रहा होता है, उसके हाथ एक अलग तरीके से मूव कर रहे होते हैं, पीछे गाड़ी में आग लग रही है और वो आगे जो है वो चल रहा है, वो एक बॉडी लैंग्वेज उसकी बताई जा रही होती है कि सो कॉन्फिडेंट, और वो सिर्फ उस जिस्म और उस वॉक से बता रहा होता है कि पीछे तबाही है बट मैं काम हूँ, या आई एम बियॉन्ड दिस। तो आपका जिस्म जो है वो इंटरव्यू के अंदर क्या क्या बता रहा होता है, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, जब आप दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो क्या बता रहा होता है, आप सिंसियर हैं या नहीं, आप उनकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ये भी आपका जिस्म, जिसमें आप अभी सर हिला रही है। सो ये जिस्म एक पैकेज है, इसको जरा तोड़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अब चले इस तरह आते हैं, सही है, ताकि इंपॉर्टेंट तो हाथ है आपके। सो हाथ, हैंड जेस्चर्स, आपने देखा होगा कुछ जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो बात करते हुए आपके हाथ भी देख रहे होते हैं, राइट, यानी वो जिस्म को भी शामिल कर रहे होते हैं। हाथ जो है वो अगर बंद है, तो पुराने जमाने में जब किसी को मारना होता था तो वो दूर से जब आता था तो यूं छुपा के आता था खंजर, या पीछे, तो आप देखें जब भी कोई आपके सामने यूं पीछे खड़ा हुआ होगा या हाथ बंद करके खड़ा हुआ होगा तो आपको वो एक क्लोज्ड लुक देगा, यानी वो आपकी तरफ ओपन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं जब लोगों से मिले, और अगर आप देखें तो आपके घर पे जब मेहमान आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली खुल जाती है। अपने दोस्तों को देख के आपके हाथ दूर से झप्पी, और जिन लोगों से आप खौफ में आती हैं आप, तो ये जिस्म बहुत अच्छी चीजें बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, राइट। सो हैंड जेस्चर्स को ओपन करें, दुआ के लिए हमें हाथ खोलने के लिए कहा गया है, आसमान की तरफ देखने के लिए, कुछ लोग कहते हैं इससे हम एनर्जीज भी पास ऑन कर रहे हैं, इशारे ना डालें इसमें, अच्छा राइट, हाथ ये तो बहुत होता है इशारा, आप क्या कह रहे हो वैसे, राइट, मुबारक हो,
सो ये वैसे भी साइकोलॉजिकली हमें कहते हैं मुझे पिन पॉइंट किया जा रहा है, लेकिन ये दावत होता है। सो हाथों के साथ अभी क्योंकि मेरे जहन में बॉडी लैंग्वेज की एक जो जहन में सवाल था वो मैं आपसे करूंगा, लेकिन एक हमारे कॉलर है उनसे जरा बात कर लेते हैं। आमिर साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आलिम साहब जी, आलिम साहब फरमाइए क्या सवाल करेंगे। सवाल ये, मैं तो ये जो है ना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उसमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो भी चीज अल्लाह पाक ने बनाई है ना, उसका एक उसमें एक ऐसे सिम्टम रख दिए जाते हैं कि जब आप कोई सिंपल सी चीज है कि जब आप झूठ बोल रहे हो तो आपका चेहरा और आपका दिल जो है उसके नेगेटिव जा रहा होता है, वो उसके आपकी ताइद नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी कि आप जो है ना जो बात कर रहे हैं वो सच नहीं है। और कभी भी आप देख लें कि जब झूठ बोलेंगे ना तो आप किसी के भी दिल पे हाथ रख लें तो उसका दिल जो है ना वो होगा कि तुम जो है बिल्कुल ये जो चीज कह रहे हो ये सही नहीं। और इसी तरह कुरान और हदीस में भी आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि ये काम मैं करने लगा हूँ तो मुझे कैसे पता चले कि ये जायज है ये नाजायज है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने आपके सीने में एक ऐसी चीज रख दी है जिसके बारे में ये है कि जो सही काम होगा वो दिल मुतमैन होगा, जो गलत होगा दिल उसकी नफी कर रहा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आलिम साहब। साजिद साहब भी हैं इस्लामाबाद से। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब, मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है, मैं बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो बोलने का अंदाज है ना उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो ये कि अभी हम नॉन वर्बल पर हैं, आज का हमारा टॉपिक नॉन वर्बल है, सिर्फ बॉडी। सही है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका ताल्लुक बन जाता है। मैं अगर अच्छा चले बनाए बनाए ताल्लुक बनाए। आपको पता है हमारे कल्चर में ना एक कॉन्फिडेंट स्पीकर वो भी समझा जाता है बात करते हुए, स्पेशली बैंक्स में या कमर्शियल सेक्टर में, कि आपको इंग्लिश बोलना पड़ती है ऑब्वियसली ना। अब जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हमारे कल्चर में ना दो किस्म के एक्सेंट जनरली फॉलो होते हैं, एक तो हम जो पाकिस्तानी स्टाइल से इंग्लिश बोल रहे होते हैं ब्रिटिश या अमेरिकन, और दूसरा ब्रिटिश या अमेरिकन, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ना एक आर्टिफिशियलिटी हमारे कल्चर में व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश और ब्रिटिश और यूके वाले कल्चर, यूएस वाले कल्चर में, अमेरिकन कल्चर में एक्सेंट में। जी जी, तो डू यू थिंक इट इज नेसेसरी कि हम वो वाला एक्सेंट अडॉप्ट करें या हम अपने एक्सेंट में रहते हुए कॉन्फिडेंट। ठीक है, सही है। ओके ओके, हाँ जी, देसी इंग्लिश या फॉरेन वर्बल की आपने बात की, उस पर याद रखने के लिए बहुत अच्छा है कि तीन वीज हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल, विजुअल एंड वोकल। तो वर्बल इज अल्फाज, वोकल इज लहजा। तो आतिफ एक लफ्ज आ लेके उसका क्या बना देते हैं, वो उनकी वोकल। इसी तरह हम अल्फाज में भी इमोशन बना रहे होते हैं, जो आपने बात की इस वक्त लहजे की। और तीसरा है हमारा विजुअल कि हम दिखा क्या रहे हैं, जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारा अटायर है और जो भी चीज़ें हम साथ कैरी करते हैं। एक्सेंट की जहाँ तक बात है, कुछ इंडस्ट्रीज में सिर्फ मैंने देखा है कि इसका फायदा होता है। जिस तरह वो लोग जो कॉल सेंटर पे बैठे हुए, जब वो कॉल करते हैं तो सामने वाले को ये फीलिंग ना आए कि मुझे पाकिस्तान से किसी ने कॉल की है, अफ्रीका से किसी ने कॉल की है। इसीलिए एक्सेंट एक क्विक आपको कनेक्शन दे देता है, तो वहां पे एडवांटेज होता है। अदरवाइज अब दुनिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की मुहिम है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की, यानी लोग अपने अंदाज में जबान बोल दें, ट्रांसलेटर्स के साथ बोल दें, तो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड होती है। अच्छा। बल्कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल की जो दुनिया है उसमें हम जो वैसे भी वीडियो बना रहे होंगे, जो लिख रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो रहा होगा। सो ये बहुत बड़ा बैरियर था, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कॉन्फिडेंस नहीं फील करते इसकी वजह से, लेकिन मुस्तकबिल इससे बियॉन्ड है, सो यू विल राइज अबव दैट। अच्छा, मैं जिस सवाल की तरफ आना चाह रहा था कॉल से पहले, वो ये कि बॉडी लैंग्वेज में अक्सर ये होता है कि हम किसी की बॉडी को टच कर रहे होते हैं, जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए, वज़ीर आज़म साहब का हमें कॉन्सेप्ट नहीं है पता, हम बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं। या एंटोनियो गुतरेस भी आ रहा है तो उसे बार बार वो वीडियो चल रही है, बार बार जप्पियां दे रहे हैं, फिर उसके बाद अभी वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो गए, वो क्वीन के जनाजे में भी और वो सारे जो मामला थे वहाँ गए, तो वो हर एक के साथ जो है वो एक न्यूजीलैंड की खातून के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, तो ऐसे भी ट्रांसलेट करूं कि जिस्म जो है उसका मैसेज क्या जाता है, जिस्म दिहाइयों का पता भी देती है। अच्छा, ये जो साहब कोई भी लीडर जब कर रहा होता है तो आपके ख्याल में जानबूझ के कर रहा होता है, आप इस वक्त जानबूझ के ही अंगूठा बंद किए हुए हैं और उंगली टाइट कर रहे हैं, खुद हो रहा है ना, आप इसको पता करें ये क्यों हो रहा है, तो आपको शायद 3 साल के ओवेस का जवाब मिल जाए कि वो क्यों करता था ये। ओके, जिसमें अपना दिमाग रखता है
जो कि शायद दिमाग भी मैनी ए टाइम्स नहीं जानता होता, तभी हायर अवेयरनेस में सिखाते हैं कि अपने जिस्म से कनेक्ट करो, राइट? बहुत सारे लोग डिसकनेक्टेड होते हैं. सो वेरी वेरी क्रूशल कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ इजहार के लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसको रीड करना भी सीखें कि मैं ये क्यों करता हूँ. क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से हाथ मिलाता है उस पर भी बड़ा वो करते हैं कि वो हाथ में आगे खींचता है लोगों को. आपने ज्यादा हाथ किसी का खींचा है, आपने बिल्कुल हल्का, कुछ लोग सिर्फ हाथ सामने रखते हैं तो आपको फीलिंग आती है. ये इसमें कुछ चीजें कल्चरल भी हैं शिफा. मिसाल के तौर पर कुछ कल्चर्स में आपका पर्सनल स्पेस बहुत ज्यादा मायने रखता है. चाइना और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ इतनी आबादी है कि वहाँ पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत कम है. बिल्कुल. तो वो बाहर से आया हुआ भी आपके बहुत करीब आ जाएगा, आपको अजीब अनकंफर्टेबल फीलिंग देगा. अफ्रीकी ममालिक ट्राइबल रहते हैं, वो बहुत फिजिकली इंटीमेट होते हैं, मेल्स फीमेल्स ऑल ऑफ देम. लेकिन हमारे कल्चर में एक पर्दा है, हम एक सर्टेन डिस्टेंस देखना चाहते हैं. लेकिन जितना पर्दा और डिस्टेंस है उतना ही हम समझते नहीं है उस चीज को. बिल्कुल. बहुत करीब आके हम बात करेंगे शिफा. ऐसा नहीं है कि मैं आप पे चढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बॉदर कर, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं बाउंड्री क्या है. ये भी तो एक यू नो अवेयरनेस की मिसाल है ना कि मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, मेरा जिससे मैं ऐसी स्मेल दे रहा है, मैं आपको ऐसे डिसकंफर्ट में डाल रहा हूँ, एंड आप सिर्फ ये सोचेंगे जब मैं ये करता हूँ तो आप मुझसे ताल्लुक नहीं बनाना चाहती, आप मुझसे कोई और बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आप खौफ वाले मोड में आ जाती हैं. इसीलिए ये और भी ज्यादा अहम है कि आप अपने जिस्म को वेलकमिंग अंदाज में इस्तेमाल करें. सही. शोल्डर्स की हमने बात की, हाथ की हमने बात की, पॉस्चर, राइट? एक तो इसको पूरा स्विंग भी करके देखें, ये इमोशन बनाता भी है भाई. अच्छा. देखें ना, योगा में और नमाज में फिजिकल इस्तेमाल होता है पूरी. इमोशन में से ई हटाएं तो मोशन है, मोशन हम बॉडी से करते हैं. Yes. तो आप इससे इमोशन बनाते भी हैं. सो पॉस्चर अपना कोशिश करें कि आप अपराइट रखें. आप देखेंगे जब आप डरे हुए होते हैं और खौफ वाला शख्स बंद होता जाता है और शाहीन आफरीदी खुलता है. तो इसी तरह आप भी जब अच्छा दिन गुजार रहे होते हैं ना तो आपका जिस्म खुला हुआ होता है. अब अगर आप अच्छा दिन नहीं गुजार रहे हो वैसे तो आपका जिस्म बंद है, लेकिन आपके पास ये इख्तियार है कि आप उसको जैसे आपने अपना पोस्चर बनाया हुआ है, आप रोजाना ही करते हैं और कर करके आपकी आदत हो जाती है. अब ऐसा ही हो गया है. सो बॉडी लैंग्वेज के साथ भी यही करें कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा अकड़ दिखाती है लोगों को, अगर आप टाइट हो सकता है आदतन करते हो, ड्रॉप इट सो दैट आपका नॉर्मल ओपन हो जाए और वेलकमिंग हो जाए. फिर आपके पैर है, आपने देखा होगा जो लोग हिल रहे होते हैं, फर्म नहीं खड़े वो होते, उससे हमें अंदाजा होता है कि यार इसकी बात भी जो है ना वो ग्राउंडेड नहीं है. हिल रहा है, बंदा हिला हुआ है. आपके सामने कोई प्रेजेंटर है, ज्यादा अगर एनिमेटेड होगा तो आप उसकी बात को वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो फर्म खड़ा हुआ है पैर जमा के तो उसकी बात ज्यादा ग्राउंडिंग रखती है और वो खुद भी डिफरेंट स्टेट में. तो ये तरीका पाओ का कैसा होना चाहिए जब आप बैठे हुए हैं? जी, मर्दों के लिए वैसे कहते हैं कि गुड तरीका इज टू हैव अ क्रिस क्रॉस. यस, ओएस, दिस इज आइडियल. लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा बाय द बुक रूल्स नहीं, अच्छा, नहीं बताता शिफा. देखें, अगर तो मैं किसी मुल्क का वजीर आजम होता और मेरी एक एक झलक एक एक पल को लोग देख रहे होते तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती. फिर आप कहते हो मैं काला सूट पहनो, लाल टाई पहनो, आप देखेंगे दुनिया भर के लीडर वो पहनते हैं खास मौकों. लेकिन हम ज्यादातर लोग वो नहीं है, राइट? हमें जिस लेवल की बॉडी लैंग्वेज की जरूरत है वो ये कि हम दूसरों को ऑफेंड नहीं कर रहे, लोग हमारे बारे में जजमेंट गलत नहीं बना रहे. कभी कभी बंदा बड़ा ओपन होता है लेकिन आप उसको देख के कहते हैं नहीं मैंने इससे बात नहीं करनी, फिर आपको महीनों बाद पता चलता है कि नहीं यार मेरी परसेप्शन गलत थी. तो हम मुसलसल, मैं भी इस वक्त मुसलसल पैगाम दे रहा हूँ अपने अल्फाज के अलावा भी, इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है. सो बॉडी लैंग्वेज में ये सारी चीजें आप आगाही बढ़ाएं, इसमें अपना फेशियल एक्सप्रेशन आखिरी अक्सर लोग यूं होते, जो दर्द हो गया पाँव में ऐसे बैठ के भाई नहीं उसे नहीं बैठा जाता, अक्सर लोग यूं होते. अच्छा, फेस क्या आप पहली बार कर रहे हैं भाई? आप महीना कर लें फिर आप ऐसे ही बैठेंगे जैसे मैं ऐसे बैठता हूँ, मुझे ऐसे करना पड़ता है बिकॉज़ आई फील वेरी टाइटन लाइक दैट. So, facial expressions, आप देखेंगे अक्सर लोग डाउन फेस. हमारे यहाँ खवातीन को हमने ट्रेन किया है मुस्कुरा के नहीं देखना. हाँ. वो सीरियस शक्ल बना के आपको देखेंगी, आंखों में आंखें नहीं डाल, फ्री भी तो हो जाते हैं जरा सी मुस्कुराहट तो देख के. कह रही हूँ हाँ, कि गाड़ी में आपको कोई जगह दे दे तो आप उसको हाथ मिलाते हैं, वो गाड़ी पीछे लग गई थी. मैंने ये भी देखा है शिफा कि कुछ खवातीन जैसे भी ड्रेस्ड अप हो उनकी आंखें और उनका देखने का अंदाज ऐसा होता है, बता देता है, मैसेज देता है, आपकी जरूरत नहीं होती. And you are bound to give them respect. वो body language सिखाएं सबको. So please खवातीन avoid ना करें situations को, मर्द हजरात भी avoid ना करें. आंखों में आंखें डालना बेहतरीन respect की form है.
यानी कि आप सोचेंगे मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। हमारे कल्चर में तो लोग आपको पता है या तो जमीन पे देख रहे होते हैं या कहाँ देख रहे होते हैं, और यही वजह है कि ट्रू कनेक्शन नहीं बन पाता। सो फेशियल एक्सप्रेशन को कोशिश करें, इसको ऊपर करें, स्माइलिंग फेस भी जादू है। अगर आप स्माइल करें तो आप ज्यादा खुश होते हैं, राइट? हमें तो ये कहते हैं आप हर वक्त हंसते रहते हैं भाई, वो कुछ लोगों के ये लॉक हो गए हुए हैं, सर्जरी करके खुलवाने पड़ेंगे। सो अपनी शक्ल को मुख्तलिफ, सुबह उठते ना दिल चाहता है मुंह खोले ताकि आपके ये सारे वर्जिश में रहें, और कोशिश करें आप इजहार करें। इसका बेहतरीन मौका उस वक्त होता है जब आप कोई बात कर रहे हैं और मैं वो बात सुन रहा हूँ, राइट? मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी नॉट से और अपने जिस्म से ये बताता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। यस, मैं अपनी बॉडी को मिरर करा सकता हूँ उस कैफियत पे जो कि आप, मिसाल के तौर पे अगर सामने वाला सर पे यूं हाथ रखे तो मेरा भी हाथ अगर चला जाए तो उसको बिल्कुल सिंक फील होता है। ये कहने की भी बात नहीं है, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हम बिल्कुल हम आहंगी में इन सिंक है। और कम्युनिकेशन का अल्टीमेट मकसद जो है वो ये रिपोर्ट बनाना होता है, क्योंकि उसी से रिश्ते बनते हैं। सो फेशियल एक्सप्रेशन लास्ट तक डू इंक्लूड दैट। अच्छा, और कुछ लोगों का ये भी होता है क्विकली कि वो बात तो बड़े प्यार से और बड़े उस तरीके से कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बस उनका इतना सख्त नजर आ रहा है कि वो लगता है लड़ने लगा है बस अब वो, इसका फिर क्या तरीका है? कुछ लोगों से वो स्माइल होती नहीं है, रशियंस के बारे में कहते हैं कि दे आर वेरी सीरियस लुकिंग, या वो स्माइल बहुत कम करते हैं। पश्तून हमारे भाई बहन, मैं क्योंकि वहां से ज्यादा मुझे पता है, प्यूटिन का मैं देख रहा था, वो जब चलता है तो उसका एक हाथ मूव करता है, एक हाथ मूव नहीं करता। नहीं, उसका तो मैंने जो पढ़ा वहां पर तो ये था कि जी चूंकि वो केजीबी की ट्रेनिंग है तो चूंकि असलहा जो है वो आपका इस तरफ होता है तो वो अपने असले के साथ इतना कनेक्टेड होते हैं कि एक हाथ उनका इस तरीके से मूव ही नहीं होता था कि जब चाहे वो यूज कर सके। सो इज ऑलवेज मूविंग दिस हैंड। तो ये भी है सिलसिला। आम लोग वैसे अपने जिस्म को बहुत डीवैल्यू करते हैं, शेम में रहते हैं, लेकिन अब जिस्म को हमने, बच्चा तो बगैर कपड़ों के सामने आ जाता था, बच्चा था ना, और पोज भी लगा है, अब ठीक है वो बच्चा था, बेशरम आप कह सकते हैं उसको, लेकिन वहां से लेके बिल्कुल अपने जिस्म को अंडरमाइन कर देना, इसको शर्म में रखना, मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग पागल हुए हैं इसके पीछे कितनी, और ना इसको इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पे मैं एक्सप्रेस कर सकूं, वर्जिश में डाल सकूं, योगा में डाल सकूं, खुल सकूं। क्योंकि जब भी आप खुलते हैं ना तो ये सिर्फ फिजिकल खुलना नहीं है, ये आपका दिमागी तौर पे भी खुलना है। तो जिस्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसके एक एक सेल में आपका डीएनए है, हर चीज आपके पैर से वायर्ड है। चाइनीज इसके ऊपर ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम जितना जानते हैं हम अमेज होते हैं। सो इसको सिर्फ ये भी नहीं कि मैं इम्प्रेस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, बल्कि अपनी बेहतर आगाही, अपने बेहतर इजहार के लिए और अपनी बेहतर कम्युनिकेशन के लिए इस पे काम करूं। जबरदस्त जी, थैंक यू उमर। अब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके बैठने की कोशिश करेंगे।